इतनी सारी मेरे हाथ पे, यहाँ पे देखो ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग जो है अपने रूम से स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइज, लोग बोलते हैं गांव में, मतलब कहीं भी इधर उधर जाते हैं तो बोलते हैं कि यूट्यूब से कुछ होने वाला नहीं है, बेमतलब कि यूट्यूब पे तुम लोग अपना टाइम पास कर रहे हो, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाया जाता है, ये सब बकवास प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। गाइज, यूट्यूब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को ग्रो करा दीजिए, ताकि मैं अपने गांव वालों, अपने समाज, अपने परिवार, फैमिली में सबको मैं दिखा पाऊं कि हाँ, यूट्यूब से हम लोग अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाया जाता है, इसमें वर्क करना वेस्टेज नहीं होता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं गाइज, तो उन लोगों को दिखाने के लिए, आप अगर यूट्यूब से कनेक्टेड है, आपको यूट्यूब पसंद है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले युवराज का आंख देखिए, इसके आंख में प्रॉब्लम हो गया है, कल से ही परेशान है युवराज। गुरगुजनी बोलते हैं इसको, गुरगुजनी बोलते हैं ना, गुरगुजनी हो गया है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल हमारे फैमिली में देवी जी करती है बच्चों के लिए। युवराज, अपनी यूट्यूब फैमिली 5 की हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, सब लोग खुश हो? देवी जी हर रोज की तरह किचन में देखिए, ये इन लोगों का ब्रेकफास्ट है। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ये ब्रेकफास्ट है पल्लवी का, ये परी का है, हाँ। ये आराध्या का, और ये युवराज का। मेरा गेस एकदम परफेक्ट निकला, जिसको जिसको मैंने बोला उसका उसका है इसमें। युवराज, अभी मोजा कौन नहीं घूम रहे? हम पहना देते हैं, आओ खाना खाओ। खाना खाओ, तुम्हारी मम्मा पहना देती है। मैं पहना देती हूँ। आओ ना, ऐसे ही आओ ना, ऐसे ही पहन लेना किचन में, परसों में आती हूँ। और कुर्सी महारानी जो है, जब खाएगी या कोई भी वर्क करेगी तो कुर्सी पे बैठ के ही। ये है कुर्सी महारानी, देखिए इसका नाम कौन रखा है परी? कुर्सी महारानी देवी जी। देवी जी, युवराज तुम्हारी मम्मा को परी देवी जी बोल रही है? हाँ, हम भी तो देवी जी कभी कभी बोलते हैं। क्यों बोलते हो? मैं बोलता हूँ इसीलिए। हाँ। तो अभी दोस्तों मस्त नहा के फ्रेश हो गया, और फेसबुक पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, ये हो गया 100%, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज मार्केट भी हम लोगों का लगेगा यहाँ पे, जो मैं बता रहा था आपको कि हमारा जो वीकली मार्केट लगता है अपना विलेज मार्केट, तो वहाँ पे भी चलेंगे आज। वहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, कौन कौन सा सब्जी आता है और कैसे कैसे वो मार्केट लगता है, कैसे कैसे लोग बेचते हैं, वो सब मैं आज एक्सप्लोर कराऊंगा आपको। तो आज का ब्रेकफास्ट है दाल चावल और बैंगन का सब्जी, आलू बैंगन। वैसे तो मैं बैंगन का सब्जी खाता नहीं हूँ, बट देवी जी ने पका दी है तो खाना पड़ेगा। कोई और पकाया रहता तो नहीं खाते। हाँ सही बात है, नहीं खाता है। नहीं खाता, सही बात है। बच्चे आ गए स्कूल से, देखिए। युवराज, कल तो तुम ही लोगों से पूछ रहा था कि क्या क्या पढ़ाई की, आज चलो हम तुम्हारे क्लास लेते हैं, चलो। युवराज आज स्कूल गया था और स्कूल से आ भी गया है, क्या क्या पढ़ाई की हो स्कूल में आज? स्कूल में आज हाँ हम हाँ दस फल का नाम, हाँ, और पांच जानवर का नाम, हाँ। और कल तो अपने बहनों को बहुत डांट डांट के बोल रहा था, बताओ क्या क्या पढ़ाई की हो तुम लोग, है? अब तुम बताओ तुम क्या पढ़ाई किए हो? इतना ही, इतना ही है। ये छटपटा रही है, इसको धूप में रखेंगे तो शायद बच सकती है, काट लेगी, उठाएगा बस काट, नहीं काटेगी हमको। देखो इसको धूप में रखते हैं, यहाँ पे रख दें। हाँ देखो, अब एनर्जी आ रहा है इसको, अब धूप से देखो कैसी दिख रही है, देखो अब बच जाएगी। और कोई होगा तो चलो लाके रखते हैं, एक यहाँ पे है देखो, ये भी छरपटा रही है, इसको भी धूप में रखेंगे तो बच सकती है। ये उल्टा हो गई, देखो देखो, ये धूप में लो चलने लगी, हो गई। युवराज अब तो धूप में टनमना गई। ओ प्रैंक की है, जाओ। अरे उतरो उतरो, हाँ उतर गई। जो मर गई हो तो मर गई है, बट जो जिंदा है उन हनीबी को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी जिंदा है, शायद बच जाए। ये पता से यहाँ से यहाँ पे लोग पंख सुखाना पड़ेगा तब झूठ में रखेंगे ना। देखो देखिए इतनी सारी मेरे हाथ पे, इतनी सारी हनीबी है, और कुछ को तो मैंने बचा दिया, और ये भी थे अभी,
देखो एक ने मुझे काट भी लिया, देखो ये यहाँ पे देखो ये बाप रे, इसी से ये है ना डंक मारती है, जहर अपना निकाल देती है तो अब ये मर जाएगी जो आपको। ओ भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कुछ कुछ उड़ गया। लो इतने सारे हनी बीज को मैंने बचा लिया और एक ने मेरे हाथ में डंक भी मार दिया। गाइज लग रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, मेरे दर्द से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इनका लाइफ। धूप छोड़ दो, धूप धूप लगेगा ना तो ये सब बच जाएंगे। ये तो मर चुकी है, इसमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, देखो हमने मर गई है। तो जो जिंदा है वो जिंदा देखो देखो देखो। अभी दोस्तों इवनिंग हो गया है बट अंधेरा नहीं हुआ है और इसी टाइम हमारा लोकल विलेज का जो मार्केट है वो सही से लगता है, तो अभी चलिए मार्केट चलते हैं और वहाँ से कुछ सब्जी शॉपिंग करके लाते हैं। युवराज कहाँ है? नीचे है। नीचे है। पल्लवी क्या कर रही है? What are you doing? I am remembering my question answer option street. बस इतना ना इंग्लिश बोल दी कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों लोगों से सीखते हैं इंग्लिश, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है उतना। युवराज को देखिए, मार्केट चलना है, जाने दो वो भी जाएगी, तुम अकेले लाओगे ले क्या पाओगे उतना है। तो हम लोग चलते हैं मार्केट में। युवराज को देखिए झोला लिया है और कैसे खुटर खुटर चल रहा है दौड़ो मत। तो ये है अपना विलेज का लोकल मार्केट, देखिए सब्जी मार्केट है ये और वीकली लगता है एक बार हफ्ते में। ये हंस रहे हैं देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा अपना साला है। मेरा क्या लगेंगे? मामा, मामा जी है हंस रहे थे अभी हो गया इनका पोपट आलू कितने का केजी है? 60 पसेरी 60। ये कौन सा आलू है भाई? ये तो पूरा इंसानों के शक्ल का है, देखिए ये हाथ है इसका इधर वाला और ये इसका फेस है देखिए मिट्टी है इसमें बहुत ज्यादा। किसमें से ज्यादा काटा फटा और छोटा वोटा मत रखो, मीडियम मीडियम वाला जितना है वो रखो, मीडियम वाला रखो। लो ना युवराज आगे आगे आ रहा था, ये नहीं देगा तुमको, पर ही छोड़ो अभी देखो ना थोड़ी देर में इसको पता चल जाएगा, जब 5 किलो का जब वेट उठाना पड़ेगा ना तो पता चलेगा। लो युवराज अब युवराज हाँ अब पता चलेगा इसको, अब पक्का भारी हो गया। हाँ अब उठाओ, अब देखो देखो एक आलू नीचे गिर गया, प्याज को ना प्याज बाटे 1 किलो दे, अब देखो अब देखो देखो वो छोड़ो ना और कुछ बस मिर्चा और टमाटर वाटर कुछ ना, धनिया हरा मिर्चा तीत बाकी ना है। ले लो ले लो ले लो तो ये दोस्तों देवी जी का मन पसंद रात आलू मिल गया है, बट पल्लवी जो बोली थी ना लौंगलती लौंगलती का ठेला उधर लगाता है वो आज नहीं आया है, तो उसका मन पसंद जो है वो नहीं मिलेगा मिठाई, बट देवी जी का जो पसंदीदा है वो रात आलू यहाँ पे मिल गया। अच्छा दो देखिए ये लोग खड़ा होकर देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन है इन लोगों को, अगर मोबाइल चलाते हैं ना ऑन राइड तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा और आप भी आ गए यूट्यूब में, इधर धनिया खरीदे युवराज। तो अभी युवराज के रिक्वायरमेंट पे गजरा ले लिए, क्या बनेगा युवराज इसका? हलवा बनेगा। बनाओगे? तुम क्यों नहीं बनाओगे? हेल्प करोगे? अच्छा ये दोस्तों अपना मार्केट और मैं हूँ अपने मार्केट के सेंटर पॉइंट पे, देखिए इधर से ऐसे और उधर जो है फीस वगैरह मिलता है सब और बाकी इधर से ऐसे है, वो ठेला वाला जो है ठेला वाला वहाँ पे ठेला लगाता है जो लौंगलती और बहुत ही साफ और बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाता है वो, बट वो आज आया ही नहीं। तो अभी हम लोग तीनों बाप बेटा बेटी बाजार से आ गए और युवराज को देखिए सबसे हेवी वाला युवराज लिया है, देखिए गाजर, गाजर का हलवा बनाएगा, बोलता है कि मेरी मम्मा बनाएगी देखो देखो
हटो इससे आगे हम हो जाते हैं, हटो। कहाँ रखे सब्जी? यहाँ पे। कितने दिन में हम लोग वायरल हो जाएंगे? हाँ, एक महीना। एक महीने में हो जाएंगे पक्का। कितना दिन होता है एक महीना में? एक महीना में 30 दिन होता है। तो जब वायरल हो जाएंगे तो पहला काम क्या होगा बताओ? नहीं, पहले बता जरूरी क्या है। हाँ? पहले जरूरी है घर बनना। घर बनना है? हाँ, घर बनेगा। तो उसके लिए है ना यूट्यूब से सौरभ जोशी के जैसा जब हम हो जाएंगे तब आसानी से जल्दी बनवा सकते हैं। हाँ, तो उसी दिन का बात कर रहे थे। उसी दिन का बात, एक साल में हो जाएंगे सौरभ जोशी के जैसा। घर के पीछे में घर बनेगा। घर के पीछे में मेरा घर बनेगा। देखिए दोस्तों, युवराज क्या बोल रहा है कि एक साल में सौरभ जोशी जितना हम लोगों का फैन फॉलोइंग हो जाएगा और युवराज का जो है सपनों का महल बन जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और युवराज के लिए सपनों का महल बनवाने में हमारी सहायता कीजिए। क्या मशरूम बना दियो? लॉलीपॉप? लॉलीपॉप है। एक असली का लॉलीपॉप सेम टू सेम ही मिलता है। हाँ। तो दोस्तों, कल देवी जी बनाएगी गाजर का हलवा वाला रेसिपी, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो है ना इतना टेस्टी हलवा बनाती है कि वो आपको किसी भी होटल में या कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग तरीके से बनाती है। तो उसका मैं एक अलग ही वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि आप लोग भी कुछ सीख सके। हमारे चैनल से गाइस हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया नया एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाएं, बताएं और कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो अभी तो गाइस मैं किसी मुकाम पे नहीं हूँ, अभी कहीं का नहीं हूँ मैं। जब मैं वायरल हो जाता हूँ ना और जब मेरे सब्सक्राइबर्स में अपनी यूट्यूब फैमिली में ग्रोथ होने लगता है, जो यूट्यूब से कमाने लगते हैं, तब आप देखिए कि मेरा व्लॉग भी बनेगा ना, उसमें भी आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलता ही रहेगा। तो उन लोगों को सोने का टाइम हो गया है, क्या खेल रहे हो इस टाइम? ग्रेनी ग्रेनी। हम अपने कार में छुपे हैं और ग्रेनी अपने घर से बाहर निकली। तो ग्रेनी के हाथ में बंदूक होता है क्या? नहीं, ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा कौन होता है? अमेरिका में ना ग्रैंडपा को लोग दादा बोलते हैं। अच्छा, ग्रैंडपा। हाँ, तो ग्रैंडपा बोल रहा है। अच्छा, तो तुम दादा हो। युवराज आओ ना मेरे साथ डिनर कर लो। आज का डिनर है दोस्तों रोटी, दूध एंड गोभी आलू एंड मटर का सब्जी। बहुत काफी टाइम दोस्तों मैंने यूट्यूब पे एक्सपेंड कर दिया, बहुत काफी। अब मैं ऐसा लगता है कि जैसे थक चुका हूं और ऊपर से इन बच्चों का सबका फ्यूचर का टेंशन। दो साल कहीं कम नहीं ना होता? दो साल हो गया। पता नहीं YouTube का एल्गोरिथम कैसे काम करता है गाइस, कि कुछ लोगों के कंटेंट में आप देखिएगा कुछ भी दम कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि विजय रिया ब्लॉग ये देख लीजिए, उसके कंटेंट में आपको कुछ खास देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट फिर भी पता नहीं कैसे वो वायरल हो गया। तो अभी फिलहाल दोस्तों मैंने वीडियो का एडिटिंग कर लिया कंप्लीट और इसको अपलोड पे भी मैंने लगा दिया और अभी टाइम हो गया है 03:11। बच्चे सब सो गए हैं, मैं ही अकेले जागा हुआ हूँ। मेरा जीत था कि मैं वीडियो का एडिटिंग करके अपलोड करके ही सोऊंगा, तो मैंने वो कर लिया। 43% हो गया है, 22 मिनट टाइम और लेगा। कुल मिला के मुझे 3:30 बजे सोने का टाइम मिल जाएगा, 3:30 बजे तक मैं सो जाऊंगा। तो अभी दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।